हे एवरी वन वेलकम टू द न्यू क्लास ऑफ फिजिक्स आज की हमारी ऑप्टिक्स की थर्ड क्लास है इससे पहले हम ऑप्टिक्स की टू क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं अगर वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिए उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिससे कि ऑप्टिक्स वाला पार्ट आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और एच पी टेट और टी ची कमीशन में जितने भी ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आप उनको ईजिली सॉल्व कर पाओ तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं रिफ्लेक्शन क्या है रिफ्रेक्शन क्या है और इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ लाइट की जिसके लिए कुछ थ्योरीज हैं फर्स्ट थ्योरी है हाइगन एंड फ्रेजल्स ईथर वेव थ्योरी हाइगन के अकॉर्डिंग क्या था जो लाइट है वो क्या है पीरियडेड डिस्टर्बेंस है थ्रू द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव और कैसी वेव्स हैं हाइगन के अकॉर्डिंग लॉन्गिट्यूड बट बाद में फ्रेजल ने कंक्लूड किया कि जो वेव है उनका नेचर कैसा होगा वो होंगी ट्रांसवर्स इन नेचर ओके तो हाइगन और फैजल ने क्या बोला कि जो लाइट है वो कैसी होगी इन द फॉर्म ऑफ वेव फिर नेक्स्ट थ्योरी आती है मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या होगा जो लाइट है वो कैसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होगी जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होंगी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी और ये दोनों ही परपेंडिकुलर होंगी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट ओके बट इन दोनों ही थ्योरी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्फ्टन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हैं तो नेक्स्ट थ्योरी आती है आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी आइंस्टाइन की जो क्वांटम थ्योरी है वो बेस्ड है प्लैंक्स की ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्योरी पे इनके अकॉर्डिंग क्या है जो लाइट है वो क्या है एक तरह से पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं जिनको हम क्या बोलते हैं फोटोन्स बोलते हैं ओके जिनकी एनर्जी कितनी होगी एच न्यू होगी ठीक है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ईजिली फोटो इफेक्ट और कॉम्फ्टन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं फिर नेक्स्ट थ्योरी आती है डी रॉगली थ्योरी ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ लाइट अब क्या है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन और रिफ्कशन जैसे फिनोमनाओ को हम ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं बट जो आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्फ्टेंट इफेक्ट को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं तो इसीलिए डी रोगली ने बोला कि जिस तरह मैटर का ड्यूल नेचर होता है वैसे ही लाइट का भी क्या नेचर होगा ड्यूल नेचर होगा मतलब लाइट वेव की फॉर्म में भी होगी और पार्टिकल की फॉर्म में भी तभी हम क्या कर सकते हैं इन सारे फिनोमिना को रिफ्लेक्शन हुआ रिफ्लेक्शन हुआ कॉन्टेंट इफेक्ट हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं तो लाइट का कैसा नेचर होगा ड्यूल नेचर होगा लाइट वेव की फॉर्म में भी होगी एंड पार्टिकल की फॉर्म में भी होगी नेक्स्ट आता है वेव फ्रंट वेव फ्रंट क्या होते हैं वेव फ्रंट्स को अगर डिफाइन करें तो क्या है ये लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट अ गिवन इंस्टेंट क्या मतलब हुआ इसको समझने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट की मतलब मान लो कोई सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है जिसका जो पॉइंट सोर्स है वो क्या है ओ है या एस है ठीक है तो जो वेव फ्रंट क्या हो, होगा वो किस फॉर्म में होगा स्फेरिकल फॉर्म में होगा ओके मतलब क्या है जो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है एक पॉइंट सोर्स है तो जो वेव फ्रंट बनेंगे वो किस फॉर्म में बनेंगे स्फेरिकल फॉर्म में बनेंगे ओके और वैसे ही सिलेंडिकल वेव फ्रंट की बात करें तो जो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है वो क्या होगा एक स्लिट की फॉर्म में होगा तो जो वेव फ्रंट है वो किस फॉर्म में बनेगा सिलेंडर की फॉर्म में बनेगा ओके okay. क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे इक्व डिस्टेंस होंगे फ्रॉम द लाइन सोर्स ठीक है फिर नेक्स्ट आता है प्लेन वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट की बात करें तो अगर जो पॉइंट सोर्स है वो क्या होगा एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस तो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो हमें दूर से देखने पे किस तरह का दिखेगा प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में लगेगा ठीक है तो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट किस तरह अपीयर होगा एज ए प्लेन आफ्टर ट्रेवलिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स ओके एक पॉइंट सोर्स है उससे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हमें जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो किस तरह का दिखता है प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में दिखता है ओके okay? तो ये क्या आगे वेव फ्रंट्स के टाइप आगे ठीक है मतलब वेव फ्रंट सिर्फ क्या एक तरह का लोकस ऑफ पार्टिकल्स है ठीक है जहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं वाइब्रेट करते हैं इन द सेम फेज एट ए गिवन इंस्टेंट नेक्स्ट आता है हाइगन्स प्रिंसिपल हाइगन प्रिंसिपल की बात करें तो हाइगन ने क्या बोला कि ईच सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा इज द सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम विच वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस ओके क्या बोला हाइगन ने कि ई सोर्स जैसे ये सोर्स है एस ये क्या होगा सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस जहां से क्या करेंगी वेव स्प्रेड होंगी इन ऑल डायरेक्शन जैसे इस तरह यहाँ पे ये स्प्रेड हो रही हैं ठीक है एंड ऑल पार्टिकल इक्टेंस फ्रॉम द वेव एंड वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इन ऑल द सर्फेज नोन एज वेव फ्रंट और ये जो इक्व डिस्टेंस पार्टिकल्स हैं या वेव्स हैं ये क्या होंगी इनको क्या बोलेंगे हम इनको बोल लेंगे हम वेव फ्रंट्स बोलेंगे ठीक है तो एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट जो ये पॉइंट्स हैं हर एक ये जो आपको राउंड दिख रहे हैं इसमें ये पॉइंट्स हैं ये क्या होंगे इज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस यहाँ से क्या बनेगी नई डिस्टर्बेंस बनेगी जो क्या प्रोड्यूस करेंगी स्केंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगी और ये जो वेवलेट्स हैं ये क्या करेंगी स्फेरिकल होंगी और ट्रैवल करेंगी विद द स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन इन द मीडियम ओके और साथ में कौन चीज इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे कि जो फॉरवर्ड एनवल्व होंगे एंड क्लोजिंग द टेंजर्स एट अ सेकेंडरी वेवलेट एट एनी इंस्टेंट्स वही क्या करेंगे वही हमें न्यू पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट देंगे मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में से ही हमें क्या मिलेंगी न्यू पोजिशंस ऑफ वेव फ्रंट मिलेंगी जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ये यह सोर्स है यहाँ पे ये यह क्या बन रहे हैं वेव फ्रंट्स बन रहे हैं और यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या हैं सोर्स ऑफ न्यू वेव फ्रंट या न्यू वेवलेट हैं ओके तो उनको क्या बोलते हैं हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोल देंगे और ये कैसे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शंस में हैं ठीक है तो ये क्या आ गया हमारा हाइगन प्रिंसिपल आ गया फिर नेक्स्ट आता है डॉपलर इफेक्ट इन लाइट डॉपलर इफेक्ट क्या हुआ वेन एवर देअर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जर्वर जब क्या है जो सोर्स ऑफ लाइट है मान लो जैसे सन है और आप ऑब्जर्वर हो तो अगर आपके बीच में रिलेटिव मोशन है मतलब या तो सन मूव कर रहा है या आप मूव कर रहे हो रिलेटिव मोशन आपके बीच में तो जो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट होगी ओके okay, वो क्या होगी जो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट होगी उससे डिफरेंट होगी ठीक है मतलब अगर जो सोर्स ऑफ लाइट है जैसे सन है और ऑब्जर्वर आप ऑब्जर्वर हो आप में क्या है रिलेटिव मोशन है आप क्या रहे कर रहे हो मूव कर रहे हो तो जो अपरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट आप ऑब्जर्व करोगे वो क्या होगी डिफरेंट होगी फ्रॉम द एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ लाइट ओके जैसे मान लो ये ये कोई मूविंग ऑब्जेक्ट्स है और ये आपकी तरफ आ रही है मतलब आप अगर ऑब्जर्वर हो ठीक है आपकी तरफ आ रही है तब तो क्या होगा जो इस एक्चुअल फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी डिफरेंट होगी अपरेंट फ्रिक्वेंसी से ओके okay? और वैसे ही उसी तरह जब अः क्या होगा ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रही है ऑब्जर्वर से दूर जा रही है तब भी एपरेंट फ्रिक्वेंसी और एक्चुअल फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस होगा ठीक है तो यही क्या है डॉपलर इफेक्ट है डॉपलर इफेक्ट में आ, अगर बात करें तो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट की बात होती है रेड शिफ्ट क्या है जैसे जो भी स्टार्स हैं और गलेक्सीज हैं अगर वो ऑब्जर्वर से जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उससे दूर जा रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको रेड शिफ्ट बोल लेंगे और अगर जो स्टार्स और गैलेक्सीज़ हैं वो क्या है एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ आ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम ब्लू शिफ्ट बोलते हैं ठीक है इसकी अगर कुछ एप्लीकेशंस की बात करें तो डॉपलर इफेक्ट को हम किस लिए अप्लाई करते हैं यूज टू मेज़र द स्पीड ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सी जो हम किस तरह कर सकते हैं ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट का यूज़ करके फिर आता है यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द सन अबाउट इट्स ओन एक्सिस हम क्या कर सकते हैं सन की कितनी स्पीड है इसकी अपनी एक्सेस पे इसको भी हम डॉपलर इफेक्ट का यूज करके मेजर कर सकते हैं उसके बाद क्या कर सकते हैं जो टेम्परेचर ऑफ़ प्लाज्मा इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस है, उसको भी हम डॉपलर इफेक्ट की हेल्प से क्या कर सकते हैं मेज़र कर सकते हैं ठीक है तो डॉपलर इफ़ेक्ट मेनली कहाँ पे यूज़ होता है जब हमें क्या पता लगाना है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रही है दूर जा रही है या पास आ रही है या उसकी स्पीड क्या है ओके स्टार्स है गलेक्सीज हमारी और से कितनी दूर है ये सारी चीज़ों को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं डॉपलर इफ़ेक्ट का यूज़ करते हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट आता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है एक तरह का फिनोमिना है ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ लाइट एनर्जी ड्यू टू द सुपर पोजिशन ऑफ लाइट वेव फ्रॉम टू कोहर सोर्सेज इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ओके अगर नॉर्मली कोई एक सोर्स है लाइट का उससे लाइट आ रही है तो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है यूनिफॉर्म होती है बट यहाँ पे क्या बात हो रही है टू कोहरियन सोर्सेज की अब क्या है दो सोर्सेज हैं तो वो क्या कर रहे हैं सुपर इम्पोज कर रहे हैं सुपर इम्पोजिशन की वजह से जो लाइट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगी अनयूनिफॉर्म होगी ओके तो इसकी वजह से हमें क्या उस सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स या सुपरपोजिशन ऑफ लाइट सोर्सेज की वजह से हमें इंटरफेरेंस दिखती है और उसकी वजह से जो लाइट है वो क्या होती है रीडिस्ट्रीब्यूश होती है ठीक है जैसा कि आपने देखा होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के एग्जाम्पल्स की बात करें अगर तो जैसे ये बबल है ओके okay, ये क्या कर रहा है एक तरह से इंटरफेयर कर रहा है या फिर जैसे सो बबल्स बनते हैं तो वो भी क्या है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है या कई बार रोड पे स्लिपरी रोड है जहाँ पे जैसे बारिश के टाइम पे के बाद धूप पड़ती है तो हमें क्या दिखते हैं वो कलर्स ड्रॉपलेट्स दिखती हैं वो किसकी वजह से क्योंकि जो व्हीकल से निकला हुआ ऑयल है उस पर क्या है वाटर ड्रॉपलेट्स गिर गई हैं और उन दोनों सोर्सेज के बीच क्या हो रही है इंटरफेरेंस हो रही है उन वेव्स के बीच में और इसीलिए वो हमें किस तरह दिखती हैं शाइन करती हुई दिखती हैं वो ड्रॉपलेट्स ठीक है तो ये क्या आगे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन डेली लाइफ आगे नेक्स्ट आता है डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या है ये एक तरह का फिनोमिना है ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल और एन अपेचर इन टू द रीजन ऑफ जियोमेट्रिकल शेडो ऑफ ऑबस्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट सिंपल लैंग्वेज में क्या हुआ कि जैसे कोई स्लिट है ओके okay, तो इसके कॉर्नर्स पे क्या होगा लाइट क्या होगी बेंड करेगी ठीक है ये ऑब्स्टेकल आ गया ये स्लिक और इसके कॉर्नर्स पे लाइट क्या कर रही है बेंड कर रही है जैसे कि आपने क्या देखा होगा सनराइज के टाइम पे अगर आप माउंटेंस के को देखो तो वहाँ पे ल्यूमिनस दिखते हैं वो ठीक है कुछ चमकता हुआ दिखता है वो किसकी वजह से होता है ड्यू टू डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट ठीक है या जैसे यहां पे आप देख रहे हो स्काई में आ, बादलों के बीच में से जो लाइट निकलती है, वो क्या है? एक तरह से? को हम क्या बोलते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे फिर आती है पोलेराइजेशन पोलेराइजेशन क्या है एक तरह का फिनोमिना है ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेक्टर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट मतलब जो लाइट है लाइट पार्टिकल्स क्या करते हैं वाइब्रेट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में उस वाइब्रेशन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हेड करने के लिए हम क्या करते हैं पोलेराइजर का यूज करते हैं और इस फिनमिना को क्या बोलते हैं हम पोलेराइजेशन बोलते हैं ठीक है जैसे कि क्या करते हैं बहुत तेज धूप होती है या बारिश के बाद जो धूप निकलती है तो हमारी लाइट हमारी आँखों पे वो तेज रोशनी पड़ती है ठीक है उसको अवॉइड करने के लिए हम ग्लेयर्स या ग्लासेस का यूज़ करते हैं और वो ग्लासेस क्या करते हैं लाइट की पोलराइजेशन करते हैं ठीक है तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट ठीक है मतलब क्या है एक तरह की जो आ, हम क्या कर रहे हैं अवॉइड कर रहे हैं कि जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो क्या करें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करें वाइब्रेट करें ठीक है फिर नेक्स्ट आता है ह्यूमन आई ठीक है ह्यूमन आई की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया की कॉर्निया क्या है आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई है ठीक है जो ये क्या करता है एक तरह से ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है लाइट का और ये अलाउ करता है लाइट को एंटर करने में आइज में ठीक है मतलब कॉर्निया के थ्रू क्या करती है लाइट एंटर होती है इन आर आइज ठीक है फिर आता है आइरिस आइरिस क्या है एक तरह के से सर्कुलर डायफ्रेम है जिसमें क्या होगा सेंट्रल होल होगा जिस होल को हम क्या बोलेंगे ये आ गया इसको हम क्या बोलेंगे पिपल बोलेंगे ठीक है जो आपकी आइज में बीच में एक होल होता है एक सर्कुलर शेप में ब्लैक कलर का उसको क्या बोलते हैं हम पिपल बोलते हैं ठीक है वो कहाँ पे होगा आइरिस में होगा जो क्या एक तरह का सर्कुलर डायफ्रेम है ठीक है और जो हमारी आइस का कलर होता है वो भी किसकी वजह से होता है इसी आइरिस या पिप्पल की वजह से होता है ठीक है और जैसे ही पिपल का क्या काम होता है कि जब बहुत ब्राइट लाइट होगी तो ये बहुत स्मॉल हो जाएगा और जब डिम लाइट होती है तो ये वाइड हो जाता है ठीक है फिर उसके बाद आता है लेंस लेंस का एक तरह लेंस कैसा है हमारा आई लेंस डबल कन्वेक्स लेंस है जो क्या है ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल टिश्यू से बना है ठीक है जहाँ पे क्या बनती है इमेज बनती है ठीक है या फिर लेंस क्या करता है फोकस करता है इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे ऑन द रेटिना ऑफ आई ठीक है फिर आता है रेटिना रेटिना की बात करें तो रेटिना क्या है रेटिना एक तरह की स्क्रीन की तरह काम करता है जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिखती है मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाते हैं किसकी वजह से रेटिना की वजह से ठीक है तो कॉर्निया क्या आ गया आउटर मोस्ट पार्ट आ गया जो क्या है एक तरह का ट्रांसपेरेंट पार्ट है जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है हमारी आइज में ठीक है आइरिस क्या है आइरिस में इंपॉर्टेंट पार्ट है प्यपल जो क्या करता है जहाँ पे जिस आ, हमारे जो कलर है आइज़ का वो किसकी वजह से होता है ड्यू टू आइरस या प्यूपिल की वजह से ठीक है और ये साथ में इसका फंक्शन क्या है कंट्रोल करना कि कितनी लाइट हमारी आइज में एंटर करे और कितनी नहीं ठीक है उसके बाद है लेंस लेंस क्या करता है एक तरह से फोकस करता है टू ऑन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है और फिर आता है रेटिना रेटिना का क्या काम है रेटिना का काम है इमेज बनाना ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है ये क्या आ गई ह्यूमन आई नेक्स्ट बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन की सबसे पहले आता है लॉन्ग साइटडनेस ऑफ और हाइपर मेट्रोपिया लॉन्ग साइटनेस या फार साइटनेस का क्या मतलब हुआ कि दूर की चीज़ें तो अच्छे से देख पा रहे हैं बट नज़दीक की चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं दिख पाती हैं तो जो भी पर्सन इस डिफेक्ट से जूझ रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे इस डिफेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे ठीक है लॉन्ग साइटनेस का क्या मतलब हुआ दूर की चीज़ें अच्छे से दिख रही हैं ठीक है बट पास की चीजें क्लियर नहीं दिखती हैं ठीक है तो इस डिफेक्ट को करेक्ट किस लेंस से करेंगे कन्वेक्स लेंस से नेक्स्ट आता है शॉर्ट साइटनेस जिसको हम क्या बोलेंगे मायोपिया बोलेंगे शॉर्ट साइटेडनेस का क्या मतलब हुआ पास की चीजें तो क्लियर दिखती हैं बट दूर की चीजें कैसी दिख रही हैं धुंधली दिखेंगी तो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए किस लेंस का यूज करेंगे कनकेव लेंस का ठीक है फिर थर्ड आता है प्रीस बायोपिया प्रीस बायोपिया में क्या चीज़ें आ जाएंगी कि विज़न कैसा है दूर का विज़न भी क्लियर नहीं है और पास का विज़न भी अनक्लियर है तो इस केस में इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बायोफोकल लेंस का यूज़ करेंगे ठीक है जिसमें कन्वेक्स लेंस भी होगा और कन्वकेव लेंस भी ठीक है तो फिर आता है एस्टिकमेटिज्म इसमें इस केस में जो ह्यूमन आई है वो क्या कर सकती है हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन्स पे साइमल्टेनियसली फोकस नहीं कर पाती ठीक है।, है मतलब ये क्या होगी एक हॉरिजेंटल लाइन्स हैं और वर्टिकल लाइन है तो जो जि, जिस जो भी पर्सन क्या कर रहा है एस्टिगमेटिज्म से जूझ रहा है उसको क्या परेशानी आएगी कि वो वर्टिकल लाइन्स तो अच्छे से देख पा रहा है बट हॉरीजेंटल लाइन्स उसको नहीं दिख पा रही हैं तो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कैसे ग्लासेस का यूज़ करेंगे जिनमें सिलेंडिकल लेंसेज लगे हों ऑफ डिज़ायर्ड एक्सिस एंड रेडियाई ऑफ करवेचर ठीक है क्या यूज करेंगे हम सिलेंडिकल लेंसेज का यूज करेंगे ठीक है क्योंकि जो आ, जो जिस भी पर्सन को एस्टिगमेटिज्म है उसकी आइज क्या है स्फेरिकल नहीं होंगी इसलिए हम सिलिंड्रिकल लेंसेज का यूज करते हैं इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए तो फर्स्ट क्या पढ़ा हमने हाइपर मेट्रोपिया या लॉन्ग साइटनेस जहाँ पे हमें दूर की चीज़ें क्लियर दिखती हैं और पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही हैं इसलिए हम किस लेंस का यूज़ कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस का कि पास की चीज़ें हमें क्लियरली दिख पाएं फिर आता है शॉर्ट साइटनेस या मायोपिया जहाँ पर पास की चीज़ें क्लियर दिख रही हैं और दूर की चीज़ों को देखने के लिए हम किस लेंस का यूज़ करते हैं कनकेव लेंस का ठीक है फिर आता है प्रीस पाई ओपिया जहाँ पे जैसे विद एज क्या हो जाती है ये प्रॉब्लम कॉमन होती है कि जहाँ पे हमें क्या होता है दोनों ही डिफेक्ट्स ऑफ विजन आ जाते हैं जहाँ पास की चीज़ें भी हमें क्लियर नहीं दिख पा रही हैं दूर की भी नहीं तो हम बाईफोकल लेंस का यूज़ करेंगे मतलब उसमें क्या लगे होंगे कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंसेज का यूज़ होगा फिर आता है एस्टिकमेटिजम जहाँ पे क्या है हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन्स को साइमल्टेनियसली एक साथ देखने में हमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करते हैं सिलेंडिकल लेंसेज का यूज़ करते हैं इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए ठीक है तो अब देखते हैं कुछ टाइप के क्वेश्चन कि यहाँ से इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सबसे पहले आता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव्स जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है वो क्या कर, प्रूव करती है कि ये क्या है कॉर्प्यूस्कुलर नेचर ऑफ लाइट है या क्वांटम नेचर ऑफ लाइट है या ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट है या लॉन्गिट्यूडल नेचर ऑफ लाइट है तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है एक तरह का ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट है ठीक है फिर आता है द वे फ्रंट ड्यू टू ए सोर्स सिचुएटेड एट इनफिनिटी जो वेवफ्रंट फ्रंट होगा वो किस टाइप का होगा जब जो सोर्स होगा वो कहाँ पे होगा इन्फिनिटी पे होगा स्फेरिकल होगा सिलेंड्रिकल होगा प्लेनर होगा या सर्कुलर होगा स्फेरिकल में हमें पता है कि पॉइंट सोर्स है ठीक है और ये क्या हो रही एक रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वेव्स की सिलेंड्रिकल में कैसी होंगी एक स्लिट की फॉर्म में होगी और जब जो सोर्स होगा वो इन्फिनिटी भी होगा दूर डिस्टेंस पे होगा तब वो किस तरह का होता है हो तो ये किस तरह का वेव फ्रंट होगा प्लेन वेव फ्रंट नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल लाइट इज द फॉर्म ऑफ हाइगन के अकॉर्डिंग लाइट की फॉर्म क्या है पार्टिकल नेचर है रेज है वेव है या रेडिएशन है स्टार्ट क्लास के स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था हाइगन थ्योरी की जो लाइट है उसका नेचर क्या होगा तो हाइगन ने क्या बोला था कि ये क्या एक तरह का पीरियडिक डिस्टर्बेंस है थ्रू द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव तो अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल लाइट किस फॉर्म में होगी वेव की फॉर्म में फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन एक्सपोज्ड टू सन लाइट फिल्म्स ऑफ ऑयल ऑन वाटर एग्जिबिट कलर्स ड्यू टू फिनमिना ऑफ जब क्या करते हैं जो फिल्म्स ऑफ ऑयल हैं वाटर पे पड़ती हैं ठीक है और वो एक्सपोज करते हैं सन लाइट पर जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि क्या है आफ्टर रेन जब सन नि, निकलता है सन लाइट पड़ती है रोड पर तो उस पर क्या होती हैं वाटर ड्रॉपलेट्स भी होती हैं और वो किसके साथ मिक्स हो गई होती हैं ऑयल के साथ मिक्स हो गई होती हैं हो है, तो हमें दूर से वो क्या दिखती हैं कलर चमकती हुई दिखती हैं तो वो किस फिनमिना की वजह से होता है इंटरफेरेंस की वजह से होता है डिफ्रेक्शन की वजह से होता है डिस्पर्सन की वजह से होता है या पोलराइजेशन की वजह से होता है तो किसकी वजह से होता है ड्यू टू इंटरफेरेंस ठीक है नेक्स्ट है वी यूज लेंस टू करेक्ट हाइपर मेट्रोपिया हम किस लेंस का यूज करते हैं हाइपर मेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हाइपर मेट्रोपिया क्या होता है लॉन्ग साइटनेस या फायर साइटेडनेस मतलब दूर की चीजें हमें क्लियर दिख रही हैं बट नज़दीकी की चीज़ें हमें अनक्लियर हैं तो किस लेंस का यूज करते हैं इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए बाय कन्वेक्स का बाय कनकेव का कनकेव का या कन्वेक्स का तो किस लेंस का यूज किया था इस लेंस को जहाँ पास की चीजों हमें देखनी है क्लियरली हम किस लेंस का यूज कर रहे हैं कनकेव लेंस का ठीक है फिर नेक्स्ट आता है द नियर पॉइंट ऑफ ए ह्यूमन आई इज एट ए डिस्टेंस ऑफ जो नियर पॉइंट है ह्यूमन आई का वो कितने डिस्टेंस पे होता है टेन सेंटीमीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर या फोर्टी सेंटीमीटर तो इसका आंसर होगा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर जो नियर पॉइंट है ह्यूमन आई का वो कितना होगा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर मतलब कितना नज़दीक तक हम देख सकते हैं तो हमारे बीच में और ऑब्जेक्ट बीच, बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तभी हम क्या देख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और अगर बात करें फार पॉइंट की तो वो क्या होगा इंफिनिटी होगा मतलब इन्फिनिटी तक हम क्या देख सकते हैं अपनी आई से चीज़ों को देख सकते हैं तो नियर पॉइंट क्या आ गया ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर फार पॉइंट क्या आ गया इन्फिनिटी uh, और अगर रेंज ऑफ विजन की बात करें कि विजन की कितनी रेंज होगी एक अडल्ट की ह्यूमन आई की तो वो क्या होगा डिफरेंस बिटवीन द फार पॉइंट एंड द नियर पॉइंट मतलब इन्फिनिटी माइनस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर आ गया ठीक है तो ये थे कुछ टाइप के क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में ठीक है तो आपने अच्छे से याद कर लेना है चीज़ों को ह्यूमन uh, आई से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं डिफेक्ट से रिलेटेड तो हमने क्वेश्चन देख लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ठीक है फिर पोलराइजेशन क्या होता है डिफ्रेक्शन क्या होता है इंटरफेरेंस क्या होगा ओके okay? या वेव फ्रेंट्स क्या होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कि लाइट का नेचर कैसा होता है ड्यूल नेचर मतलब वेव की फॉर्म में भी होगी लाइट और पार्टिकल की फॉर्म में भी होगी ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू